यही है वो सिंगर जिसने सारी प्रॉब्लम खड़ी की है। हाँ कौन कहाँ है? चला गया। तनु आगे मीडिया है, अगर इन लोगों ने अभी को देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम दोनों यहीं रुको, मैं गाड़ी लेके आऊं। प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड पे केस मत फाइल कीजिए, उनकी इमेज उनका करियर सब खराब हो सकता है। आप बस एक चांस दे दीजिए प्लीज। 7 साल हो गए हमारी शादी को, बहुत अच्छे से जानती हूँ उन्हें। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। मैं उनकी साइड सिर्फ इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ। मैं जानती हूँ कि वो कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं गारंटी लेती हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरी मेरी ओ टूट गई सोने, जीवे टूटे अंबर तो तारा। तेरी मेरी ओ टूट गई सोने, जीवे टूटे अंबर तो तारा। लाई भी ना गए तेने भाई भी ना गई, लाई भी ना गए। पता है भगवान जन्म के वक्त ही सबके भाग्य लिखते थे, लेकिन हमारा भाग्य इस कुमकुम ने लिखा है और हमेशा के लिए। जो आप मेरा आज है, कल थे और हमेशा रहे। पूरब गाड़ी रोक। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा गाड़ी रोक पूरब, अभी यहाँ सारा मीडिया है, तेरे पीछे पड़ जाएगा। मैं थोड़ा आगे जाके रोकता हूँ। गाड़ी रोकना है अभी। क्या कर रहे हैं तू, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहा है यार, तू कहाँ जा रहा है? पूरब कब कैसे क्यों, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए पूरब, और उसके लिए मुझे उससे बात करनी होगी। अरे अभी हुआ क्या है, मुझे कुछ बताएगा? ऐसे कैसे हो सकता है पूरब? क्या नहीं हो सकता है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे उससे बात करनी होगी, कुछ जवाब चाहिए मुझे। अभी तू मुझे बताएगा यार क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है पूरब। अगर यही चलता रहा मैं पागल हो जाऊंगा, इससे पहले मुझे उससे बात करनी होगी। अभी अभी मेरी अभी कहाँ गया? पता नहीं किन सवालों के जवाब चाहिए इसे। अगर मीडिया ने इसे देख लिया तो पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछेगी इसे। चलो मैं भी। आउच, आउच। क्या हुआ? मेरी हील्स टूट गई, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए पूरा। तनु इस वक्त तुम्हारी हील से ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी है। मुझे डर है कि वो कोई नया इशू ना खड़ा कर। तुम जाकर ड्राइवर से कहोगे गाड़ी निकालने के लिए। ओके दी, मैं जाता। थैंक यू। अब तो मैं उस आदमी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। आपकी पसंद नापसंद का हर्जाना मुझे देना पड़ता, क्या जरूरत थी उसे? प्रज्ञा, मैंने लड़ाई नहीं की, वो जानबूझकर आकर मेरी गाड़ी से टकराया था। अब वो आदमी जिद्दी बन रहा है। वो जिद्दी है, अकड़ू है, पत्तमी से। लेकिन आप क्या कर रहे? जो वो कर रहा है अगर वही आप कर रहे हैं तो आप दोनों में फर्क ही क्या रह गया? इतनी रात गए रोड साइड फाइट करना आपकी इमेज को सूट करता है? तो कोई मुझे रोड पर आधी रात को रोक के चैलेंज करे, उसका कुछ ना करूं? आप इतनी रात को रोड पे अकेले कर क्या रहे थे? आपकी कोई मीटिंग थी नहीं, कोई जरूरी काम था नहीं? प्रज्ञा तुम मुझे नहीं, मिस्टर आप तो अपनी हरकतें बंद कर, क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ता है और मुझसे और झूठ बोला नहीं जाए। तुम मुझे समझने की कोशिश भी नहीं। इतनी रात गए आप शराब पीकर रास्ते पे गाड़ी चला रहे, मैं क्या समझूं? आप समझिए खुद, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की तरफ, अपने फैंस की तरफ। आपके फैंस आपको आइडियलाइज करते हैं मिस्टर सिंह, कल को वो भी रात को शराब पी के सड़क पे गाड़ी चलाएंगे, एक्सीडेंट्स करेंगे, आपको कैसा लगेगा? यू आर वैलिडेटिंग ऑल दिस। आपको खुद को बदलना होगा। चलिए मैं मान भी लेती हूँ कि उसकी गलती है, लेकिन आप खुद क्या करते हैं? आप अपसेट होकर शराब पी लेते हैं और शराब पीने के बाद सब कुछ अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे मिस्टर सिंह, मैं मैनेजर हूँ आपकी, आपका काम संभालना मेरी ड्यूटी, आपको संभालना मेरी ड्यूटी नहीं। मैं हर बार झूठ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि
क्योंकि कियारा को आपने अपना नाम दिया, तो बहुत बड़ा एहसान है हम दोनों। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने एहसान किया मुझ पर, मैं हमेशा चुप रहूंगी ऐसा नहीं होगा। आप खुद अपने साथ गलत करते रहेंगे और मैं चुप रहूंगी ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली मुझे इतना सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप खुद अपनी गलती मान लो। मेरी गलती है या मेरी गलती नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुमसे लेक्चर की जरूरत नहीं है मुझे लड़के। जानते हैं तो बहस क्यों कर रहे हैं? चलिए कियारा के लिए नहीं, अपने करियर के लिए तो सही बदल जाइए। वो करियर जिसे इतनी मेहनत से आपने बनाया है, आपकी एक गलती की वजह से ना वो सब खत्म हो जाएगा। करियर भी तो मेरा है, फैंस भी तो आपके है ना। आज जो भाग भाग कर आपके पास आते हैं आपके ऑटोग्राफ के लिए, कल के दिन गायब हो जाएंगे। जिंदगी मौका देती है लेकिन कब धोखा दे रही इसका पता नहीं, इसलिए प्लीज खुद को संभालिए। संभाल लूं, आफ्टर ऑल इट इज माय लाइफ, और लाइफ भी तो मेरी ही है। और वो लाइफ 4 मिनट की नहीं है आपके गानों की तरह, उसे जीने में बनाने में सालों लग जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूं आप किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए बदल जाए, वरना ऐसा ना हो कि कल आपका ये आज आपके सामने खड़ा होकर आप तक बस रहो, तब ना मैं कुछ कर पाऊंगी ना किसी से झूठ बोल पाऊंगी। सॉरी आई नो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है आपको समझाने का। हर बार ऐसा कुछ सॉरी मिस्टर सिंह, I'll see you in the hotel. लेकिन तरुण गाड़ी लेकर आ रहा, प्लीज बात समझ। Excuse me. इस कैबिन में एक लेडी थी, आपको पता है वो कहाँ है? वही कैबिन में होंगी सर। नहीं मैंने चेक कर लिया, कैबिन में ना वो लेडी है ना वो इंस्पेक्टर जिससे वो बात कर रही थी। हो सकता है वो उस कैबिन में हो जहाँ आप बैठे थे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, वो जो लेडी आपसे बात कर रही थी आपको पता है वो कहाँ है? कौन? अच्छा वो जो मेरे साथ कैबिन में बैठी जी। हाँ कहाँ गई है वो? वो तो चली गई, देखिए शायद बाहर होंगी। मैंने बाहर चेक कर लिया और बाहर नहीं है। कहीं आप उनकी बात तो नहीं कर रहे जिन्होंने मेहंदी ग्रीन कलर के कपड़े पहने? यस वही। हाँ मैंने उन्हें पुलिस स्टेशन के पीछे देखा। ओके थैंक यू। भाई भाई कहाँ चले गए? वो टैक्सी लेकर होटल चलो। चलो प्लीज दरवाजा खोल दो। तरुण अभी रहने दो, उन्हें अकेला छोड़ दो। Yes, leave me alone. मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। Go, please. तुम सो जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तरुण बिलीव मी अभी वो होटल में है, हमारे सामने कुछ नहीं होगा। Okay. And thank you. मैंने कहा था तुमसे कि तुम उनके साथ रहना और सारे दिन तुम मिस्टर सिंह के साथ थे, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। दी मैंने कोई जॉब नहीं किया, आखिर है तो मेरे भाई ना, ऊपर से मैं उन्हें बहुत मानता हूँ।
He's my idol. लोग उनके पास नहीं जा पाते, मैं तो उनके साथ रहता हूँ. और थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपने मुझे उनके साथ रहने को कहा. थैंक यू जी. चलो ठीक है, ना तुम्हारा थैंक यू ना मेरा थैंक यू. हम दोनों ने ठीक ठाक काम कर लिया आज. अब सो जाओ. गुड नाइट. गुड नाइट. जो लोग नहीं बदलते ना, मैं उनकी लाइफ बदल देता हूं. तुम्हारी भी बदलूंगा. रियल लाइफ में तुम्हारी गलतफहमी दूर करूंगा. दैट्स अ प्रॉमिस. क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मेरी लाइफ भी नहीं, मेरे दिमाग में भी कुछ तो जा रहा है. गाड़ी को इसने ठोका है और पहले भी ठोकने की कोशिश की थी, बट ही वाज अनसक्सेसफुल. मेरी गलती थी क्योंकि मैंने ड्रिंक किया. नाइट कश्मीर. मम्मा टाइम कब तो तब उठिए तो मेरे जानू मेरे साथ. गुड नाइट. अरे सुनो. हाँ जी. ओए ओए, पता है जब तुम्हें हाजी बोलती हो ना तो बहुत क्यूट लगती हो. और ये गुड नाइट बोलकर कहाँ जा रही? अब जब तक तुम मेरे साथ नहीं सोओगी तब तक गुड नाइट कैसे हो? काम है मुझे, खत्म करके आती हूँ. अरे ये भी तो तुम्हारा ही काम है. इनफैक्ट ये तो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है जानू. समझ रहे हैं तो प्लीज मेरे हस्बैंड पे केस मत फाइल कीजिए. मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप अगर उन्हें एक वार्निंग देकर इस बार छोड़ देते हैं, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा. आई प्रॉमिस. 7 साल हो गए हमारी शादी. मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उन्हें. वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते. अभी जीजू दरवाजा खोलिए. अभी ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा. पता नहीं क्या हो गया इसे. जब से पुलिस स्टेशन से आया तब से गुमसुम सा है. जब मैं इसे वापस घर लेकर आ रहा था तो उसने हैंड ब्रेक्स खींच के गाड़ी रोक दी. और जब मैं गाड़ी से उतरा इससे पूछने के लिए तो बच्चों की तरह रो रहा था सड़क. और अब दरवाजा नहीं खोल रहा. अभी जीजू. अभी मुझे सोना है. तुम लोग जाओ. अभी मेरी बात तो जीजू सुनिए. अभी मैं. आप ठीक कह रहे हैं. पुलिस स्टेशन में कुछ तो हुआ है जिससे जीजू इतने अपसेट है. क्या हुआ होगा? शायद अकेला रहना चाहता. और वैसे भी कल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है. हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. हे भगवान, सब ठीक हो. तुमने वादा किया था कभी घर सजाओगी, सारे रिश्ते सवर जाएंगे, तुम संभालोगी.
नफरत भी है अब बेइंतहा, क्या बताऊं मैं, पर दिल में तुम्हारे अब भी चाहत है। दिए की तरह तू दिल को जलाती है, आंखें गम में भीगी तू मुस्कुराती है। पूरब मुझसे कहता है कि मैं बदल गया हूं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं, लेकिन बिजनेस वुमन तो तुम निकली। लाइफ का इतना बड़ा सौदा क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मैं यहां पल पल तुम्हारे लिए और तुमने एक नई जिंदगी, भूल गई तुम मुझे, अपने टेडी बेयर को भूल गई। क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए? मेरे लिए तुम गुंडों से लड़ी, आग में कूद गई, बॉम्ब से बचाया, कोर्ट से छुड़ाया, यहां तक कि मेरा शहर भी पी लिया तुमने। पता है क्यों? क्योंकि प्यार करती थी तुम मुझसे, प्यार करती थी ना, तो व्यापार क्यों किया? मैं मानता हूं गलती मेरी थी, मैं गुस्से में था, मैं इसलिए तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे क्यों छोड़ा? क्यों? आज तक मैं इस तरह टूटा नहीं हूं जैसे आज टूटा हूं मैं। मेरी इस हालत की, मेरे अकेलेपन की सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी जिम्मेदार हो। लेकिन क्यों कह रहा हूं मैं तुमसे ये सब कुछ? तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। सच बताओ तो तुमने अच्छा ही किया, मैंने तुम्हें खुद से दूर किया था, तुम्हारी खुशियां छीन ली थी, तो तुमने नई खुशियां ढूंढ ली ना। वेल डन फुकी, वेल डन। लेकिन प्लीज तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम यही दिल्ली में थी तो एक बार मुझसे मिलने आ सकती थी, मेरी खुशियों के लिए नहीं, लेकिन यही बताने के लिए कि तुम खुश हो। मुझे नहीं पता था तुम कहां रहती थी, लेकिन तुम्हें तो मेरा घर पता था ना, तुम आ जाती ना, मुझे लड़ती, शिकायत करती, जवाब मांगती, सजा देती, उठक बैठक करवाती, दो घूंट पीकर मुझे भाई का राउंड दिलाती, झूठ मूठ का गिटार पकड़ के रॉक शो करती। पूरे 5 महीने मैंने उस घर में तुम्हारा इंतजार किया, खुद को तसल्ली दी कि शायद तुम रास्ता भूल गई हो, लेकिन तुमने तो अपना रास्ता ही बदल लिया, एक नया जीवन साथी मिल गया ना तुम्हें।
पता है आज जब मैंने तुम्हें देखा ना तो मुझे वो सुकून मिला जो आज तक नहीं मिला मुझे, जो मैं खो चुका था। तुम्हारी एक झलक से मुझे लगा कि हाँ मैं जीऊंगा। लेकिन तुम जहर लेकर आई थी, तुम किसी और की हो गई। काश कि तुम्हारी शादी भी मेरी शादी की तरह एक समझौता होती। कुमकुम को सुहागन का ताज कहने वाली ने कुमकुम को राख में मिला लिया। यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। आई हेट यू फुकी। आई हेट यू चश्मिश। आई हेट यू। I hate you! Don't hurt you in my life!